आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो तेलंगाना की जनता को आज हिला के रख दिया है जिसने, वो है फोन टैपिंग। हम जब बात करते हैं पीटी की तो वो होता है फिजिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे फोन टैपिंग की ट्रेनिंग हो रही थी जब बीआरएस की सरकार थी, और बीआरएस की सरकार ने जो फोन टैपिंग कराई, आपको पता है कि 13 मार्च को जब प्रणीत राव को अरेस्ट किया गया तो क्या चीज सामने आई कि जब बीआरएस को पता चला कि वो चुनाव हार रहे हैं तो सारा का सारा एविडेंस वो डिस्ट्रॉय करवाने लगे प्रणीत राव के द्वारा। उनके साथ अब दो एएसपी भी पिछले हफ्ते अरेस्ट हो चुके हैं, मगर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आज प्रभाकर राव भागे हुए हैं, उसके अलावा बाकी जो दोनों हैं वो भी भागे हुए हैं। लेकिन ये बातें अगर किसी को पता है तो ये भी पता है कि आखिर ये कैसे हुआ। एक एसआईटी एसआईबी जो इस काम को करने के लिए बनाई गई कि वो नक्सल एरिया से नक्सलाइट की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करेगी, उनके लिए जो सामान आया, जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, वो जो सामान आया वो आया इसराइल से। इसराइल से 300 करोड़ का सामान आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पता होगा कि ये नक्सल इंटेलिजेंस जुटाने के लिए है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है सेंट्रल कि भाई वो कनेक्टेड रहे ताकि इंटेलिजेंस सारी उनके पास भी पहुंचे। तो कौन सी इंटेलिजेंस जा रही थी? इंटेलिजेंस तो वो थी कि कैसे जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिजनेसमैन है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, उनके ऊपर स्नूपिंग करा जा रहा था। ये स्नूप गेट स्कैंडल तेलंगाना में आखिर क्यों हुआ? बीआरएस की सरकार थी, केसीआर मुख्यमंत्री थे, केटीआर इतने इंपॉर्टेंट मंत्री थे, अपने घर में कैसे बैठ के सरकार चला रहे थे, सबकी इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे। और आज जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सामने आ चुका है, जब हम ईडी सीबीआई आईटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी ये हो रही है कि इसमें किशन रेड्डी जी का नाम आ रहा है, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं कहा ना, इसमें चिंता नहीं हो रही सेंटर में? मोदी जी को तो इसमें कुछ ना कुछ कहना चाहिए, अमित शाह जी का डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस नक्सल्स की उनका उनके काम आएगी। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो ये बता रहा है कि सबकी मिली भगत है, 300 करोड़ का सामान आता है इंटेलिजेंस जुटाने के लिए, वो भी नक्सलाइट। और इंटेलिजेंस कौन सा जुटाने लगते हैं? वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। दिस मीन्स दैट वो बिजनेसमैन इंटेलिजेंस, एक्टर्स एक्ट्रेसेस इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये क्यों इकट्ठा कर रहे थे? ताकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में उसका काम कर सके। हम बार बार कहते रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेगासस का यूज कर रही है, उसका मिसयूज कर रही है, हमारे नेताओं पर स्नूपिंग करने के लिए डिटेक्टिव बन रहे हैं वो किसी और तरीके के, क्योंकि अब तो पता चल गया कि उगाही कैसे करी जाती है, हफ्ता वसूली कैसे बन जाती है ये सरकार। मगर अगर इतना बड़ा स्नूप गेट स्कैंडल हुआ और 3 लोग यहां से भाग चुके हैं, एक मीडिया चैनल के भी व्यक्ति हैं सीनियर, भाई कहां से सर्वर उनके ऑफिस में पहुंच जाता है, ये कुछ समझ में आ रहा है? और इसकी जिम्मेदारी क्या केसीआर और केटीआर की नहीं है? क्या उनकी गवर्नमेंट के रहते हुए पुलिस ने अगर ये किया और उनकी गवर्नमेंट के जाते हुए अगर प्रणीत राव ने ये एडमिट कर दिया कि प्रभाकर राव के डायरेक्शंस पर जो चीफ थे एसआईबी के वो डेटा मिटा रहे थे, तो क्या उनको भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए? ये तो जनता को सोचना पड़ेगा। हाथ कानून के लंबे हैं और हम कानून वाली सरकार चला रहे हैं, और पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए और देखिए कि केसीआर और केटीआर जो आज कह रहे हैं इसमें सीबीआई जांच करा दो, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सीबीआई के पास मामला चला जाए, क्योंकि वो तो बीजेपी और बीआरएस की साठगांठ है ना, अच्छी खासी साठगांठ है, इसलिए वो सोचते हैं सीबीआई के पास चली जाए तो मामला जो है वो ढीला पड़ जाएगा और ये नहीं फंसेंगे। भाई इनको बताना चाहिए कि इनके समय पे अगर ये स्नूपगेट हुआ है तो सामने आके ये बताए कि इनको पता था या नहीं पता था, और नहीं पता था तो ये सो रहे थे। हमारी सरकार हर कोने तक पहुंचेगी और
पूरी इंफॉर्मेशन जुटाएगी। इसलिए केटीआर को सलाह है कि बार बार सीबीआई कर रहे हैं अपनी पुलिस का, अपने जो पुलिस उनके तहत भी काम करती रही है, कम से कम उन पे तो भरोसा करो, वो बताएंगे असलियत। और जिस तरह से इसमें परतें खुलती है जा रही हैं, ये बता रहा है कि किस तरह की सरकार चलाई जा रही थी, लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर। और आखिरी में ये कहूंगी कि हमारे सीएम रेवंत रेड्डी जी, उनके परिवार, उनके जो क्लोज दोस्त थे, उनके सबके ऊपर क्यों कर रहे थे ये स्नूपिंग? आखिर ये जासूसी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे होने दी केसीआर ने? अगर वो नहीं चाहते थे तो, अगर वो मुख्यमंत्री थे तो लेट हिम नाउ कम आउट एंड ओन अप, क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसलिए केटीआर को सलाह है, बहुत कुछ बोलते हैं, शांत रहे, इन्वेस्टिगेशन को होने दे, और जो भाग गए हैं, जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर्स इशू हो चुके हैं, उन तक भी कानून पहुंचेगा, छोड़ेगी नहीं हमारी सरकार। धन्यवाद।